एवरीवन, तो आज मैं बनाऊंगी स्ट्रीट स्टाइल चिली मैगी, जो कि बहुत ही स्पाइसी है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। तो यहाँ मैंने एक पैन लिया है और उसमें मैंने डाला है कुकिंग ऑयल एक बड़ा चम्मच। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें हाफ़ टी स्पून जीरा, हाफ़ टी स्पून राई और कुछ हरी मिर्च और रेड चिली मैंने इसमें स्लिट करके काट ली है, वो डाल देंगे। अब इसको हम धीमी आंच पे सॉटे करेंगे। सबसे पहले बारीक कटे हुए प्याज डालेंगे और इसको धीमी आंच पे सॉटे करेंगे। अब हम इसमें कुछ वेजीज डाल देंगे। यहाँ मैंने कॉर्न और गाजर लिया है, आप चाहें तो शिमला मिर्च भी ले सकते हैं, पर मेरे बच्चों को नहीं पसंद है तो मैंने यहाँ पे गाजर और कॉर्न लिया है और इसको भी हम धीमी आंच पे सॉटे करेंगे। जब ये हल्का सा भुन जाएगा तब हम इसमें हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे, और नमक थोड़ा सा कम ही ऐड करिएगा क्योंकि मैगी मसाले में भी सॉल्ट होता है। साथ में इसमें रेड चिली पाउडर टेस्ट मेकर एक पाउच डाल देंगे और थोड़ा सा कुटी हुई लाल मिर्च या चिली फ्लेक्स कह सकते हैं, ऑरेगानो डालेंगे थोड़ा सा। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे धीमी आंच पर। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे 4 कप। जब पानी अच्छे से बॉईल हो जाएगा तब हम इसमें कुछ करी लीव्स ऐड कर देंगे। जब करी लीव्स अच्छे से पक जाएगी और पानी अच्छे से बॉईल हो जाएगा, इसके बाद हम इसमें 2 पैकेट मैगी डाल देंगे। अब इसके ऊपर एक्स्ट्रा मैगी मसाला डाल देंगे और एक पाउच टेस्ट मेकर का भी डाल देंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको हम कवर करके 3 मिनट के लिए रख देंगे। 3 मिनट बाद मैगी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी और इसका एक्स्ट्रा पानी सुखाने के लिए हम इसको तेज़ आंच पर खोलकर पकाएंगे। हमारी यमी यमी चिली मैगी बनकर के बिल्कुल रेडी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।